क्लासेस में है आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार नए लेक्चर के साथ प्लस वन क्लास का एक और लेक्चर। चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, जहां पर हम डायमेंशन, यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एरर्स एंड मेजरमेंट, जो हम एरर करेंगे और मेजरमेंट पढ़ेंगे, है ना। पीछे वाले टॉपिक हमने कर लिए हैं, आज एक नए लेक्चर के साथ चलो करते हैं। देखो बच्चों कि एरर क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं एरर की। एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और हमारी मेजर्ड वैल्यू जो होती है उनका डिफरेंस जो होता है वो होती है हमारी एरर। ठीक है, वो क्या होती है? हमारी एरर होती है। एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो होती है उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होता है? एरर होता है। एरर मतलब त्रुटि, कमी। ठीक है, उसको एरर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो आपने आप शॉप पे गए और शॉप पे जाके आपने कोई सामान खरीदा, मान लो चीनी खरीदी। चीनी में आपने खरीदी कि भाई आपने कहा कि 5 किलो चीनी दे दो, है ना, आपको भेज दिया दुकान पे और 5 किलो चीनी के लिए। लेकिन वहां से आपको आप लेके आए 4.5 kg, है ना। तो आपको बोला गया था कि 5 किलो आनी चाहिए। मान लो 5 kg की चीनी मंगवाई थी आपसे, लेकिन आप लेके आए 4.5 kg। इसका मतलब क्या है? 0.5 जो है वो केजी चीनी जो थी वो क्या क्रिएट कर दी आपने? एरर क्रिएट कर दी। दैट इज नोन एज एरर। जो ट्रू वैल्यू हमारे पास थी और हमारी मेजर वैल्यू जो थी उन दोनों का डिफरेंस ही क्या है? एरर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप एरर को समझ सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू है ट्रू वैल्यू और एक मेजर वैल्यू है, मेजर जो हमारी हम मेजर करते हैं जिस वैल्यू को, और ट्रू वैल्यू वो होती है जो हमें दी गई होती है, ठीक है, बिफोर मेजरमेंट के भाई ये पॉइंट वहां तक आपने मेजर करना है या वो क्वांटिटी आपने मेजर करनी है, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू। इस तरीके से आप एरर के पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये एरर वो मेनली तीन टाइप की होती है। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग प्रकार की एरर क्रिएट हो जाती है, वो देखते हैं कौन कौन सी एरर क्रिएट हो जाती है। तो हमारी एरर जो होती है वो मेनली कितने प्रकार की होती है? देखो, एक होती है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिकल एरर। दूसरी हमारी होती है रैंडम एरर। दूसरी होती है हमारी रैंडम एरर और तीसरी जो होती है वो होती है हमारी ग्रॉस एरर। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है? ग्रॉस एरर। तो हम इन तीनों एरर्स को देखेंगे। ठीक है, जो हमारी सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमैटिकल एरर की। सिस्टमैटिकल एरर क्या होती है? ये वो एरर होती है जिसमें कारण हमें पता होता है। ये एरर क्रिएट जब होती है तो उसके अंदर हमें कारण का पता होता है, तो वी नो द कॉजेस ऑफ एरर। तो एरर का कारण हमें पता होता है, एरर का कारण हमें पता होता है, नोन होता है। कारण क्या होता है? नोन। कॉजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? नोन होते हैं, मतलब हमें पता होता है। तो यहां से हमें जो ये कारण जिस एरर में या किसी सिस्टम में अगर हमें कारण पता लग जाए जो एरर कैसे क्रिएट हुई, तो उस एरर को हम कम भी कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इट कैन बी
मिनिमाइज्ड। तो ये एरर जो होती है उसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप सिस्टमैटिकल एरर के बारे में जान सकते हैं। अब सिस्टमैटिकल एरर किस किन कारणों से क्रिएट हो सकती है, देखो काजिज क्या रहेंगे। मान लो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्रिएट हो सकता है। दूसरा प्रोसीजर की वजह से, प्रोसीजर की वजह से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन की वजह से क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की वजह से क्रिएट हो सकता है। चौथा विंड वेलोसिटी की वजह से क्रिएट हो सकता है, स्पीड की वजह से क्रिएट हो सकता है, ठीक है, कितनी स्पीड है, कितनी स्लो चल रही है, हवा की वजह से क्रिएट हो सकता है। तो अलग अलग कारण की वजह से ये सिस्टमैटिकल एरर आपके किसी भी सिस्टम में क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके से हम सिस्टमैटिकल एरर को पता कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। दूसरी एरर क्या होती है, रैंडम एरर। कौन सी, रैंडम एरर। ये एरर क्या होती है, नाम से क्लियर है, रैंडमली, है ना, देयर इज अ लिमिट, ठीक है। तो ये एक लिमिट होती है, लिमिट ऑफ मेजरमेंट, लिमिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिमिट और लिस्ट पॉइंट, लिस्ट काउंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए चाहे लिस्ट काउंट ले लो, लिस्ट काउंट। अब ये तब पता लगता है, लिस्ट काउंट सबसे छोटी मिनिमम इकाई जिसको हम कहते हैं, है ना, वो रैंडमली हमें पता होना चाहिए, लिमिट उसका मेजरमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का हमें पता होना चाहिए। तो उसकी जो एरर है उसको हम कम कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की एरर को कम कर सकते हैं। बट ये रैंडम एरर जो होती है वो अननोन होती है, क्या होती है, अननोन, अननोन होती है, ठीक है, क्योंकि इसके काजेस का हमें पता नहीं होता। वी डोंट नो द काजेस ऑफ एरर। तो इस एरर का जो कारण है वो अननोन रहेगा, अननोन रहेगा, काजेस ऑफ एरर। तो इस एरर का जो काज है वो क्या रहेगा, अननोन रहेगा। सो वी कैन कॉल इट रैंडम एरर। इस तरीके से आप क्या कहेंगे, रैंडम एरर, ठीक है। और अब हमारे पास थर्ड, जो थर्ड नंबर पे जो एरर हमने लिखी है, दैट इज ग्रोस एरर। तो ये ग्रोस एरर क्या होती है, देखो ये ग्रोस एरर क्या होती है, तो ये ग्रोस एरर क्या होती है, देखो तो हम कर रहे थे ग्रोस एरर, देखो ठीक है। ग्रोस एरर क्या है, ये वो एरर है जो ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वर की, इट प्रोड्यूस ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो होते हैं उनकी केयरलेसनेस की वजह से ये क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिस्टमैटिकल एरर, ठीक है, रैंडम एरर और ग्रोस एरर। तो तीन मेन टाइप की हमारे पास एरर क्रिएट हो जाती है। और कुछ एक और एरर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, देखें। देखो अब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो जो मेजरमेंट होता है ट्रू वैल्यू का, जो ट्रू वैल्यू हमारे पास होती है उनका इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है
उसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग एरर्स, हमारी मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4, हमारे पास चार अलग अलग वैल्यूज हमें गिवन है, चार अलग अलग वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, और 2.4 भी ले लो। एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो 5। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका मीन निकालना पड़ेगा। तो एक मीन को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, तो इनका मीन क्या निकलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5 नंबर, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखे होते हैं उससे हम मीन निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी हमें इनका मीन निकालना चाहिए, तो इनका मीन क्या आ जाएगा, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इनको 5 से डिवाइड, तो ये हो गया 7, 9, 10, ठीक है, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 10 और 1, 11, ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 2.2। तो ये इसका मीन आ गया, मतलब एब्सोल्यूट मीन कितना आ गया इनका, 2.2। तो एब्सोल्यूट जो एरर्स क्रिएट होती है वो क्या होती है, जो आपकी मीन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, उसमें से हम इंडिविजुअल जो वैल्यू होती है, हमारी गिवन वैल्यूज जो होती हैं, वो घटाते जाएंगे तो वो आपकी एब्सोल्यूट एरर आती जाएगी। कैसे? देखो, तो मैं मान लेता हूं डेल A1 जो एरर क्रिएट हुई, किसमें, A1 में, तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू में से अगर A1 को घटा दूं तो आपकी एरर क्रिएट हो गई। जैसे मीन कितना है, 2.2, इसमें से अगर मैं 2.0 घटा दूं, A1 घटा दूं, तो आपके पास आ गया 0.2। ये एरर क्रिएट हो गई थी पहले सिस्टम के अंदर, पहली क्वांटिटी के अंदर। दूसरा A2, AM में से A2 माइनस किया, मतलब मीन वैल्यू में से A2, मतलब 2.2 से क्या कर दिया हमें, 2.1 घटा दिए, 0.1 आ गया। ऐसे ही डेल A3, AM में से A3 माइनस किया, 2.2 में से क्या माइनस किया, 2.2, इसका मतलब क्या आ गया, 0। डेल A3, A4 मतलब AM में से, A4 मतलब 2.2 में से कितना घटाया, 2.3, मतलब माइनस 0.1। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास A5 भी है, तो डेल A5 किसके बराबर आ जाएगा, AM में से A5 माइनस कर देंगे, तो ये 2.2 में से क्या कैंसिल हो गया, 2.4, मतलब माइनस 0.2। तो इस तरीके से जो आपकी एरर्स क्रिएट हो रही हैं वो है आपकी सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन अगर इसी के सामने अगर मीन लगा दिया जाए, अगर इसके सामने अगर मीन आ जाए, मीन और लग जाए, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या हो जाएगा, जो आपकी एरर से निकली है उनको जोड़ो और नंबर से डिवाइड करो। तो आप अपनी बुक में देख लेना, ये बिल्कुल इजी सा पॉइंट है कि जो मीन वैल्यूज है आपकी, जो अभी आपकी मीन वैल्यू निकली है, उसको आप इनके इंडिविजुअल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपका एरर्स का पार्ट। अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहूं, मान लो इसी में से परसेंटेज एरर निकालना चाहो, तो क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, जो मीन वैल्यू निकली थी उसको एएम से डिवाइड करके, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। क्लियर?
तो ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट है आपका एरर्स का, जिसमें आपने मीन एब्सोल्यूट एरर सीखा, एब्सोल्यूट एरर सीखा और परसेंटेज एरर सीखा, ठीक है। और इससे पहले हमने सिस्टमैटिकल एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर सीखी थी। इस तरीके से आप ये एरर कर सकते हैं। तो बाकी जो होगा वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल दैट टाइम टेक केयर, धन्यवाद।